ओके इसमें जो मास्क है उसको आप धोके भी पहन सकते हो, जो आपके किट में मास्क है उसे आप धोकर भी पहन सकते हो, ठीक है, बिना मास्क के कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना, और पढ़ाई घर में अच्छे से करोगे। तो एक संदेश देने का प्रयास है, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, सामान भी दिया गया है ताकि सर्दी से बचा जाए, क्योंकि स्वेटर्स दी गई हैं, जूते दिए गए हैं, जुराबे दी गई हैं, खाने का सामान दिया गया है, और कोरोना जो बढ़ रहा है उससे बचने का भी सामान दिया गया है। जेसीआई करनाल इसी तरीके से समाज के अंदर लोगों की मदद करने का प्रयास करता है, हर साल करता है, और ये शुरुआत नए साल की उन्होंने बच्चों के साथ की है। तो आप देख सकते हैं जेसीआई करनाल की तरफ से जो शुरुआत की गई है नए साल की, वो बच्चों के साथ की गई है, और बच्चों को यहाँ पर फल फ्रूट तो दिया ही जा रहा है, उसके साथ साथ और भी खाने की तमाम चीजें दी जा रही हैं, और उनके स्वास्थ्य संबंधी भी चीजें दी जा रही हैं, चाहे वो सैनिटाइजर हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, ताकि वो अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जेसीआई भवन की दिखा रहे हैं, और यहाँ पर तमाम जेसीआई के जो मेंबर हैं वो पहुँचे हुए हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, जिसके बाद बच्चे भी खुश हैं, हालांकि उन्होंने मास्क भी डाला हुआ है। ये जेसीआई भवन की शुरुआत हुई है, और नए साल के उपलक्ष में उन्होंने हवन करके इस भवन की शुरुआत की है, और साथ ही साथ अपना जो नया साल है वो बच्चों के साथ बना रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम अलग अलग उनके कमेटी के सदस्य हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। जेसीआई करनाल की ये पूरी टीम है, प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, और भी जो जोनल वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं जो उनकी पूरी टीम है यहाँ पर बच्चों को सामान देती हुई नजर आ रही है, उनके खाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ नए साल के उपलक्ष में उन्हें फल फ्रूट भी दिए गए हैं, मूंगफली भी दी गई है, साथ ही साथ रेवड़ी भी दी गई है, और बच्चों को सामान भी दिया गया है, जो विंटर के लिए शूज होते हैं वो भी दिए जा रहे हैं, और ड्रेसेस वगैरह सॉक्स वगैरह भी दी जा रही है ताकि वो सर्दी से अपना बचाव कर सकें। एक अच्छा प्रयास जेसीआई करनाल का, और जेसीआई करनाल हर वर्ष बच्चों के लिए इस तरीके के काम करती रहती है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, और सर्दी के मौसम में सॉक्स चाहे शूज़ इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि छोटे बच्चों को परेशानी ना हो। यहाँ की जो जेसीआई करनाल की प्रेसिडेंट हैं आशा गोयल जी, वो हमारे साथ हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे नए साल की शुरुआत छोटे बच्चों के साथ? सबसे पहले तो मैं जेसीआई करनाल की तरफ से सभी करनाल वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और लोहड़ी के लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेसीआई करनाल हर वर्ष कुछ ना कुछ गरीब बच्चों के लिए, जितनी संस्थाएं करनाल में चल रही हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्विंग मशीन हो, कितने ही सिलाई सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी जेसीआई करनाल की एक साल के लिए सेवा करने का मौका मिला। इसके अंतर्गत मेरे से जितना भी हो पाएगा, जैसा भी हम लोग कर पाएंगे, मैं क्योंकि मेरे साथ जेसीआई करनाल में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे मेंबर जो करनाल के कहे जाने वाले हैं, जिनको हम करनाल की, वैसे तो धरती दानवीरकरण की धरती है, और मेरे ख्याल से ये मेरी जो जेसीआई करनाल की संस्था है उसमें सारे ही दानवीरकरण हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी तरह की दिक्कत इस साल आने वाली है। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने ही हमारा जेसीआई भवन, जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, इसको हम लोगों ने शुरुआत की है इसकी यहाँ हवन पूजा से। और हमारे IPP सर हैं जेसी अमीश गोयल जी, जो कि लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थे, और हमारे आज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जेसी कृष्ण गोयल जी। सर आगे और किस तरीके से शहर के अंदर इस तरीके से समाज का काम किया जाएगा ताकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक राहत महसूस करें कि हमारे साथ तो जेसीआई करनाल खड़ा है? सबसे पहले तो मैं जेसी आशा गोयल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने साल की जो शुरुआत है एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम से की, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे जेसी कृष्ण गोयल जी रहे गैलेक्सी बासमती राइस से। और
मुझे उम्मीद है कि पूरा साल जेसी आशा गोयल जी जो पहले से ही इतना जो है सोशल एक्टिव हैं और इतना सोशल कार्यक्रम करते रहे हैं, उम्मीद है कि जेसीआई करनाल उनके कार्यकाल में नई बुलंदियों पर छुएगा और हम पूरे साल अपने तन मन धन से जो है जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जितना हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे और आगे भी हमारे इसी तरह के जो प्रोग्राम हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो मैं बधाई देता हूं सबसे पहले जेसी आशा गोयल जी और जेसी रॉबिन गर्ग जी जो हमारे सेक्रेटरी भी हैं जेसीआई करनाल में। और क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिस तरीके से शुरुआत नए साल की वो बच्चों के साथ की गई है, आगे अभी 12 महीने पड़े हैं तो वहाँ पर और क्या क्या काम किए जाएंगे? हम कोशिश करते रहेंगे, समाज सेवा लगातार करते रहें, समाज सेवा के कार्य है जो भी हमारे जिम्मेवारी लगेगी जेसीआई की जो जिम्मेवारी लगेगी हम उसके हिसाब से कार्य करते रहेंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, जेसीआई मेंबर्स का, पास्ट प्रेजिडेंट्स का और हमारे फाउंडर मेंबर्स का धन्यवाद। क्या काम किया जा रहा है आज और कितने बच्चे पहुँचे हैं, क्या क्या उन्हें दिया जा रहा है? आज सबसे पहले तो हवन के साथ हमने इसका जेसीआई भवन का रीओपनिंग करी है और उसके बाद जितने हमारे वाइस पास्ट प्रेजिडेंट्स थे उन्होंने पौधारोपण लगाया है और उसके बाद स्लम एरियाज के जितने बच्चे आए हुए थे लगभग 70 से 80 बच्चे आए हुए थे जिनको प्रॉपर कोविड की प्रोटोकॉल के हिसाब से और कोविड के हिसाब से हर एक सामान दिया गया है ताकि उनको मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, हर किसी चीज़ के सर्दियों के हिसाब से स्वेटर्स, शूज, सॉक्स और आने वाली जो हमारा त्यौहार है मकर संक्रांति का और लोहड़ी का उसके उपलक्ष्य में भी उनको रेवड़ी और गच्चक और मूंगफली का भी सामान आवंटित किया गया है हमारी प्रधान द्वारा और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और हमारे जो भी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनके आशीर्वाद से आज ये कितनी खुशी होती है बच्चों से लेकर तमाम उन लोगों के साथ मिलकर काम करते वक्त जिन्हें इस समाज के अंदर कई बार ज़रूरत हो जाती है और जेसीआई करनाल उनके साथ खड़ा होता है। खुशी तो बहुत मिलती है जी, आज जेसीआई के जो इस भवन का रीओपनिंग हुई है इसमें हमने काम चैरिटी से शुरू किया है और हमें चाहेंगे कि पूरे 12 महीने हमें बच्चों के लिए और सभी के लिए चैरिटी का काम करते रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर सामान दिया गया है, बच्चे खुश भी नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं उन्हें यहाँ पर जूते दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है स्वेटर्स दी गई हैं और सॉक्स दी गई हैं, बच्चों को खाने की चीज़ें दी गई हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या बच्चों को आज यहाँ पर दिया गया है? सॉरी, हम सब ने आज इन बच्चों को यहाँ पर फूड्स और ये हाइजीनिटी किट्स दी हैं, स्टेशनरी किट दी हैं, स्वेटर्स दिए हैं, सॉक्स, शूज़, बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट का जो डे रिक्वायरमेंट सारी थिंग्स होती हैं हमने वो सब इन्हें प्रोवाइड करवाई है ताकि ये सभी भी यूज टू हो। एक तो कोविड इतना ज़्यादा हमारे साथ इशू कर रहा है तो इन बच्चों को भी ये सॉक, हाइजीनिटी, इन सब चीज़ों का नॉलेज हो इसलिए आज ये हमने इनको भी सिखाया है। खुश हैं मैम, बच्चे भी खुश हैं, आप लोगों को भी खुशी होगी? हाँ, हमें भी बहुत खुशी है और बच्चे भी बहुत खुश हैं, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट्स का सामान उनको प्रोवाइड किया। कितने बच्चों को आज यहाँ पर सामान दिया गया है और आगे भी इस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार? यहाँ पे इस समय 70 बच्चे हैं, ये सब स्लम के हैं, नर्सरी में और सेक्टर 32 के बच्चे हैं। फर्स्ट टाइम ये लोग ऐसे आए हैं, एक्साइटेड भी है, खुश भी है और पेरेंट्स भी खुश है, उनके बच्चे बाहर कहीं निकले हैं पहली बार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जेसीआई करनाल जुड़ा है बच्चों के साथ, बच्चों को यहाँ पर सामान दिया गया है? आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो जेसीआई के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने हम स्लम के बच्चों के लिए बहुत सारे जैसे कि कोविड का जो किट्स दिए हैं, शू दिए हैं, स्वेटर्स दिए हैं, सॉक्स दिए हैं, इटेबल्स दिए हैं और इससे बढ़कर इन्होंने जो गरीबों का प्यार दिखाया है, वी आर वेरी ग्रेटफुल एस ए पीएसएस फैमिली। थैंक यू। आप देख सकते हैं बच्चों में काफी ज्यादा खुशी है, खुश हो बच्चों, मजा आया यहाँ पर? तो एक संदेश देने का प्रयास है, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है,
सामान भी दिया गया है ताकि सर्दी से बचा जाए, क्योंकि स्वेटर्स दी गई हैं, जूते दिए गए हैं, जुराबे दी गई हैं, खाने का सामान दिया गया है और कोरोना जो बढ़ रहा है उससे बचने का भी सामान दिया गया है। जेसीआई करनाल इसी तरीके से समाज के अंदर लोगों की मदद करने का प्रयास करता है, हर साल करता है, और ये शुरुआत नए साल की उन्होंने बच्चों के साथ की है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।